सब्सक्राइब करिए टेकी यासर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, अगर मैं आपको बोलूँ रियलमी 2 प्रो का जो बेस वेरिएंट है सिर्फ आपको 12,600 रुपये में देखने को मिलेगा, रियलमी का C1 जो है वो आपको सिर्फ 6,300 रुपये में देखने को मिलेगा, रेडमी नोट 5 प्रो भी बहुत ही सस्ता मिलेगा, जेनफोन मैक्स प्रो भी बहुत ही सस्ता मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, बताऊंगा एक कैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कब मिलेगा, क्या कुछ आपको करना पड़ेगा, सारी चीज़ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसी बात पे कर देना एक वीडियो का लाइक। ये वीडियो का लाइक टारगेट रखते हम सिर्फ 500 लाइक्स का, आई होप के यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर कुछ दिन में फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट होने वाला है, 10 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में। और स्मार्टफोन की बात करें तो Realme 2 Pro यहाँ पर सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन निकल के आ रहा है और यहाँ पर ये आपको 11 अक्टूबर से मिलना स्टार्ट होगा, मतलब सेल के बीच में ही आने वाला है। साथ में यहाँ पर Realme C1 जो बजट सेगमेंट का फ़ोन है वो भी आपको 11 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। तो दोनों ही फ़ोन यहाँ पर सेल के बीच में आने वाला है, तो यहाँ पर एक एडवांटेज हम सबको रहेगा। यहाँ पर आपको बता दूँ ये सेल की खासियत क्या है, कौन से बैंक पे ऑफर है। तो यहाँ पर बिग बिलियन डे सेल में यहाँ पर आपको HDFC के क्रेडिट कार्ड एज वेल एज डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हो 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जो Realme 2 Pro है 14,000 का 10% अगर आप कट कर देते हो तो 1400 माइनस कर दो तो 12,600 में आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट सेल में HDFC से पेमेंट करते हो तो। या Realme C1 की भी बात करें, 10% निकाल दो 7,000 में से तो आपको बचता है 6,300, तो वही प्राइस पॉइंट पे आप यहाँ पर डील को क्रैक कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही कमाल की यहाँ पर ये डील रहने वाली है। साथ ही साथ और भी पॉपुलर स्मार्टफोन के बारे में बात करूँ तो यह है Redmi Note 5 Pro। अगर आप सेल के पेज पे जाते हो तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका प्राइसिंग कम हो सकता है 15,000 से, और या 10% का इस पर भी अगर आप डिस्काउंट मार के लेते हो ना 13,000 के आसपास आपको Redmi Note 5 Pro अभी भी मिल सकता है, जो कि मेरे हिसाब से अगेन बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। साथ में Asus Zenfone Max Pro, अगर 9-10,000 का बजट है ना तो यार थोड़ा रुक जाओ सेल के लिए। इसका मैंने जितने भी देखा हो 2 से 3 सेल अभी प्रीवियस आके गए फ्लिपकार्ट के, तो जो इसका 11,000 वाला वेरिएंट का जो प्राइस पॉइंट है वो 10,500 हो जाता है। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि ये भी सेल में आपको 10,500 में ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर 10% का इस पर भी आप HDFC के कार्ड से पेमेंट करते हो तो 9,500 का फ़ोन आपको ये पड़ सकता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी डील रहने वाली है। तो ये कुछ 4 से 5 स्मार्टफोन थे जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत अच्छे हैं, तो इस पर आपको बढ़िया सी डील यहाँ पर देखने को मिलेगी, वही आज की इस वीडियो में मुझे आपको बताना था। साथ में जो पूरी की पूरी जो सेल की वीडियो है मैं बनाने वाला हूँ थोड़े थोड़े आहिस्ते आहिस्ते दिन में, यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर लीक होते जाएगी डिटेल मैं आप लोगों के लिए अमेज़ॉन एज वेल एज़ यहाँ पर फ्लिपकार्ट की दोनों की वीडियो बनाने वाला हूँ। ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना नीचे कमेंट्स में, और यार ये डील को आप क्रैक करोगे नहीं करोगे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बाकी HDFC के कार्ड की बात करें तो ये जल्दी तो देखने को नहीं मिलता है, बट अगर आप लकी हो आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में किसके रिलेटिव के पास अगर है तो अभी से बोल के रख देना भाई ये तारीख को सेल आने वाले, मुझे उतने टाइम के लिए सिर्फ दे देना, कैश दे दो या जो देना दे सकते हो, बट यार HDFC से ले लेना, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको बढ़िया सी डील देखने को मिलेगी, चाहे वो Redmi हो, Realme हो या Asus का फ़ोन हो। जैसे आई होप कि मेरी तरफ से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।